वीवो की तरफ से आपको V40e मिलता है डेमेसिटी 7300 के साथ ही आता है और इसके अंदर बहुत ज्यादा स्लो 2.2 UFS स्टोरेज डाला हुआ है और ये फोन कैमरा ओरिएंटेड है और प्राइस इसका है 29,000 रुपीज। मुझे ये फोन बहुत ज्यादा ओवर प्राइस लगा। ये रोज गोल्ड टाइप ऑफ कलर है और ये बिल्ड क्वालिटी के अंदर काफी वीक है। इसके अंदर प्लास्टिक फ्रेम यूज किया हुआ है, एलोए बोलते हैं बट ये फ्रेम प्लास्टिक का है। वैसे बहुत ज्यादा स्लिम ये फोन फील होता है, पूरे बड़े साइज का फोन है ये। इसके अंदर आपको डिस्प्ले जो मिलती है 6.78 इंच की मिलती है और ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की है, चलाने में बहुत ज्यादा क्विक है और एजेस की तरफ से आपको ये थोड़ा सा कर्व मिलता है। वैसे डिस्प्ले की तरफ से कोई भी कमी नहीं लगी, बेजल्स भी बिल्कुल सिमेट्रिक से है और ये डिस्प्ले आपको 1200 नीट्स की मिलती है। वैसे 4500 नीट्स है पीक ब्राइटनेस HDR के अंदर, आउटडोर के अंदर चलाने में ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी काफी फास्ट है, ऑप्टिकल वाला मिलता है आपको, प्लेसमेंट थोड़ी सी नीचे है बट ठीक है, काम चला हुआ है। और 183 ग्राम का है ये, तो फोन है लाइट बहुत ज्यादा। और आपको ये दो कलर ऑप्शन में मिलता है, एक तो ये गोल्ड कलर रोज गोल्ड मिलता है आपको और एक ग्रीन कलर आता है। दोनों ही कलर सही है, वीवो डिजाइन में सही में बहुत अच्छा काम करता है। बट जो T3 Pro दे रखा है वो ज्यादा जस्टिफाई कर रहा है अपने प्राइस को, उसके लिए आप मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। कर्व स्क्रीन के हिसाब से मेमोरी नहीं ज्यादा बढ़िया ऑप्शन रहता है, ग्लास गार्ड मत लगवाना क्योंकि कुछ ज्यादा ही बल्कि सा लगने लग जाता है फोन। आपको V40e के अंदर एंड्रॉइड 16 तक का सपोर्ट देखने को मिलेगा, अभी 14 चल रहा है। और इसके अंदर आपको फ्रंट टच 14 UI देखने को मिलता है और इसके अंदर कुछ ज्यादा प्री इंस्टॉल्ड एप्स अब नहीं मिल रही है और इसके अंदर हॉट एप्स हॉट गेम्स भी अब नहीं है, तो ब्लोट्स खत्म कर दिए इन्होंने जो कि बहुत अच्छी बात है। और दूसरा छोटे मोटे AI के फीचर दे रखे हैं, AI वैसे नहीं है। आपको इसके अंदर मैजिक इरेजर मिलता है कैमरा ऐप के अंदर और एक दो और कलर टोन के हिसाब से कोई सेटिंग्स मिलती है जिनको ये AI बोल देते हैं। इसके अंदर आपको 7300 मिलता है प्रोसेसर और ये परफॉर्मेंस के हिसाब से मेरे को बिलो एवरेज लगा इस प्राइस सेगमेंट पे, क्योंकि ये जो 7.5 लाख के आसपास एंटीटू स्कोर्स देता है, अगर आप बैटल ग्राउंड खेलते हो तो आपको HDR अल्ट्रा की सेटिंग मिलती है, HDR एक्सट्रीम भी नहीं मिलता और स्मूथ के अंदर एक्सट्रीम सेटिंग मिलती है। 90 फ्रेम की गेमिंग इसके अंदर मिसिंग है और ये यहाँ पे 29,000 रुपये में भी अपने को HDR अल्ट्रा की सेटिंग बेच रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के अंदर परफॉर्मेंस में आपको बहुत बड़ा डाउनसाइड ये फोन रहेगा। ये 20,000 के प्राइस सेगमेंट वाले चिपसेट 30,000 के प्राइस पॉइंट में मिल रहे हैं, तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बंदे हैं ना भाई, उनके लिए तो ये फोन बिल्कुल भी नहीं है और गेमर्स के लिए भी ये फोन नहीं है। वैसे खेलने के अंदर लैग नहीं आता, 50 फ्रेम के आसपास आपको कांस्टेंट रेट मिल जाएगा, ये हीट भी नहीं होता है गेमिंग के दौरान। डे टू डे ऐप्स चलाने के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, आप सोशल मीडिया चलाओ या आप शॉपिंग ऐप्स चलाओ या फिर स्क्रॉलिंग करो या वीडियोस देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो स्टोरेज मिलती है ना इसके अंदर, आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं 8128 8256 और दोनों के अंदर आपको प्रॉब्लम क्या मिल रही है, UFS जो स्टोरेज है वो काफी स्लो है। तो ये 2024 में क्या कर रही है, 2020 वाली चीज है ये, और अब तो 3.0 4.0 तक चल रही है अच्छे फोन्स के अंदर। आप 22-23 हज़ार में भी कोई भी फोन लोगे आपको 3.1 3.0 मिल जाती है, बट ये 2.2 बेच रहे हैं और हैप्टिक्स का भी ज़्यादा जगह इन्वॉल्वमेंट मेरे को नहीं दिखा, तो वो भी एक डाउनसाइड ही मैं कहूँगा, हैप्टिक्स ज़्यादा प्यारे नहीं है इसके। और आपको इस फोन के अंदर जो स्पीकर मिलते हैं ड्यूल फायरिंग मिलते हैं, इसके जो वॉल्यूम सेटिंग्स है वो जो 200% आवाज़ है उसके अंदर ये 100% वॉल्यूम देता है और जो 300% आवाज़ है उसके अंदर स्पीकर को बिल्कुल फाड़ने को हो जाता है, बहुत ज़्यादा शार्प है, 300 पे तो आप रख ही नहीं पाओगे। जो इसकी 100 की वॉल्यूम है वो बेस्ट है, वो आपको लगभग 80% की वॉल्यूम देता है और 200% आपको 100% वाली वॉल्यूम देता है। इन्होंने चाइनीज जुगाड़ कर रखा है, वैसे वीडियो देखने के अंदर बिल्कुल मज़ा आता है, आपको फुल बड़ी स्क्रीन मिलती है और दोनों स्पीकर्स की बढ़िया आवाज़ आ रही होती है, तो मज़ा आता है इस फोन के अंदर। और इसके अंदर आपको नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज भी नहीं मिलेंगे, 5G से 4G पे ये ड्रॉप भी नहीं करता, कांस्टेंट 5G चलता है, तो उसके अंदर भी बहुत अच्छा है अगर किसी ने फ़ोन के हिसाब से इसको रखना है, तो अगर फ़ोन कॉलिंग के हिसाब से रखना है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको साथ में जो बैटरी मिलती है 5500 mAh की बैटरी मिलती है, 80 वोट की चार्जिंग मिलती है, चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है और लगभग एक घंटे में ये बैटरी आपकी फुल कर देता है। आपको 7 घंटे प्लस स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा जो कि बहुत सुपर है। अगर वैसे डे के हिसाब से आप मानो, अगर सुबह 8 बजे चार्जिंग से निकाला है तो रात को 8 बजे आपको 40% के आसपास बैटरी मिल जाएगी, इतना अच्छा है अगर नॉर्मल यूज़ की बात करो तो। ये फ़ोन पता नहीं क्यों लॉन्च हो रखा है, इसको ये फ़ोन ज़्यादा कैमरा ओरिएंटेड भी नहीं है। अगर बंदा ये सोचे भाई सारी चिप का कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है हमने, ड्यूरेबिलिटी का कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है, तो फिर पैसे लगे कहाँ पे है, पैसे कहीं नहीं लग रखे यार। आपको कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का मिलता है, ठीक है कैमरा सभी दे रहे हैं 50 मेगापिक्सल का लेंस, सोनी का लेंस है ये और सही काम कर रहा है, नो डाउट 1x के ऊपर बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है
जो कि बस जुगाड़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। और शॉर्ट्स आपको सारे काम चलाऊ मिल जाएंगे, एवरेज कहूंगा मैं, क्योंकि कैमरा ओरिएंटेड भी ये फोन नहीं है। इस प्राइस के हिसाब से ऐसे कैमरा तो कम से कम आप डिजर्व करते हो, तो इन्होंने कुछ भी ओवर एक्साइटिंग नहीं कर रखा है। और आपको पोर्ट्रेट लेंस भी इसके अंदर नहीं मिलता, वो चीजें भी मिसिंग है। आप ऑप्टिकल जूम से फोटोज कैप्चर कर सकते हो बस। और आपको फ्रंट के अंदर 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है और इसके रिजल्ट्स भी ठीक ठाक है, मतलब क्रेजी कुछ नहीं है। हाँ, डाउनसाइड जरूर है, नाइट मोड भी ये ठीक ठाक अपना मैनेज कर रहा है, कुछ क्रेजी नहीं है। ये अपनी वेबसाइट पे कुछ कुछ दिखाते रहते हैं, ये होएगा इसमें, ये होएगा, कुछ भी क्रेजी नहीं है, उसके चक्कर में मत पड़ना, नॉर्मल फोटोज ही ले रहा है। और दूसरी बात डाउनसाइड की बात करूं तो 4K के अंदर 60 फ्रेम का ऑप्शन तक नहीं है इसके अंदर। ये फोन 30,000 रुपए का है, ठीक है, 4K 30 पे ये बढ़िया रिकॉर्ड कर लेता है और इसकी स्टेबलाइजेशन भी सही है, बट इसके अंदर 60 फ्रेम्स का अगर किसी को स्लो मो टाइप की वीडियो एडिट करनी है, 30,000 के प्राइस पॉइंट पे भी कोई ऑप्शन नहीं है उस बंदे के लिए। फ्रंट कैमरा से भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो 4K 30 फ्रेम पे और इसकी क्वालिटी भी कुछ ऐसी दिखेगी आपको। और कैमरा ऐप के अंदर छोटे मोटे एडिटिंग फीचर्स मिल जाते हैं जो मैंने आपको बता दिया था, आप मैजिक इरेजर यूज़ कर सकते हो और वो सही में अच्छा काम कर रहा है इसके अंदर। चलो कम से कम जो दिया है ठीक दिया है। और इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे अगर आप फोटोज अपलोड करते हो तो वहाँ पर वो वाली क्वालिटी ये फ़ोन नहीं दे पाता जो इसकी खुद की कैमरा ऐप में देता है, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल डाउन साइड दिखता है। मेरे को बिल्कुल भी अपलोड करने लायक फ़ोटोज़ नहीं लगती अगर मैं डायरेक्ट इंस्टाग्राम या स्नैपचैट से फ़ोटो खींचता हूँ, तो पहले उसके लिए आपको फ़ोन के कैमरा से फ़ोटो खींचनी पड़ेगी, उसके बाद आप कहीं पे भी अपलोड कर सकते हो क्योंकि ये खुद की ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। वीडियो कॉल्स करने के अंदर नॉर्मल आपको फील होगा, कुछ भी क्रेजी नहीं है। और 29,000 के प्राइस पॉइंट पे ये फ़ोन आपको नया देखने को मिलता है। मैं कहूंगा इस फोन का प्राइस अंडर 24,000 होना चाहिए था, ये इस प्राइस पे बहुत ज्यादा ओवर प्राइस मेरे को लगा। मोटोरोला बहुत अच्छी डील्स दे रहा है इस प्राइस पॉइंट पे। और यूज्ड मार्केट के अंदर ये फोन आपको 26,000 के आसपास मिल जाएगा। अभी लॉन्च हुआ था अगस्त के अंदर, तो ज्यादा पुराने फोन्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको फिर भी चाहिए तो मेरे दोस्त का नंबर मैं डाल दूंगा, वहां से आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। और मेरे को ये फोन ज्यादा हाइप्ड लगा क्योंकि वीवो एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा खर्चा करता है। डिज़ाइन इसका ठीक है और बैटरी थोड़ी ठीक चलती है, तो देख लो आपको उसके लिए 30,000 रुपये इस फोन के अंदर लगाने हैं। तो और कुछ पूछना है तो दोस्तों जाते जाते सब्सक्राइब कर जाना और कमेंट में आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।